कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे राजकुमार संभाजी और सभी पुरुषों और अनुयायियों के साथ आगरा से भाग निकले। स्वागत है आपका मेरे चैनल एका बीच में। पूरी कहानी जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। वर्ष 1674 में उन्होंने ही पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई सालों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया और मुगल सेना को धूल चटाई। शिवाजी महाराज की मुगलों से पहली मुठभेड़ वर्ष 1656 से 57 में हुई थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु के बाद वहां अराजकता का माहौल पैदा हो गया था, जिसका लाभ उठाते हुए मुगल शाहजादा औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने भी जुन्नार नगर पर आक्रमण कर मुगलों की ढेर सारी संपत्ति और 200 घोड़ों पर कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया। जब बाद में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल सम्राट बना, तब तक शिवाजी ने पूरे दक्षिण में अपने पांव पसार दिए थे। इस बात से औरंगजेब भी परिचित था। उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने अपनी 150,000 फौज के दम पर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार करते हुए मावल में खूब लूटपाट की। शिवाजी को जब मावल में लूटपाट की बात पता चली तो उन्होंने बदला लेने की सोची और अपने 350 मावलों के साथ उन्होंने शाइस्ता खां पर हमला बोल दिया। इस हमले में शाइस्ता खां बचकर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इस क्रम में उसे अपनी चार अंगुलियों से हाथ धोना पड़ा। बाद में औरंगजेब ने शाहजादा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने बाद में शिवाजी से संधि करने के लिए उन्हें आगरा बुलाया, लेकिन वहां उचित सम्मान नहीं मिलने से नाराज शिवाजी ने भरे दरबार में अपना रोष दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। इससे नाराज औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों का पहरा लगा दिया, लेकिन अपने साहस और बुद्धि के दम पर वो सैनिकों को चकमा देकर वहां से भागने में सफल रहे। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर वह समय रहते नहीं बच पाए तो मुगल उन्हें मार डालेगा, इसलिए उसने गंभीर रूप से बीमार होने और बिस्तर पर पड़े होने का नाटक किया। राजकुमार संभाजी जो औपचारिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस बीच शिवाजी महाराज ने आगरा में अपने पूरे जासूसी नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखकर आगरा शहर के गरीब और धार्मिक स्थानों पर मिठाई बांटने को कहा ताकि वह ठीक हो सके। औरंगजेब ने उसे वास्तव में बीमार समझकर कुछ लोगों को ऐसा करने दिया, तो प्रतिदिन महाराज के निवास से मिठाइयों के बड़े बड़े डिब्बे और टोकरियां निकलती थी। फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को यह दिखाते हुए अपने आदमियों को वापस डेक्कन भेजना शुरू कर दिया कि वह मृत्यु और गंभीर बीमारी के कगार पर है। शिवाजी महाराज ने एक दिन खुद को मिठाई की टोकरी उठाने वाले कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया और अपने संभाजी को टोकरी के अंदर रख दिया। शिवाजी महाराज ने अपने भाई हिरोजी फरजंद को अपना रूप लेने को कहा और नौकर मदारी मेहतर को अपनी सेवा देने का नाटक किया। शिवाजी महाराज ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से संभाजी महाराज की योजना के अनुसार आगरा भाग निकले। बाद में हिरोजी फरजंद और मदारी मेहतर भी महाराज की तबीयत खराब होने की बात कहकर दवा लेने जाने का बहाना करके घर से भाग निकले। शिवाजी महाराज पुत्र संभाजी के साथ उत्तर की ओर मथुरा की ओर भागे थे। शिवाजी महाराज जानते थे कि एक बार सतर्क हो जाने पर मुगल सैनिक उन्हें रोकने के लिए दक्षिण की ओर दक्कन की ओर दौड़ पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मथुरा को अपनी शरण के लिए चुना। एक विश्वसनीय सहयोगी की देखभाल में राजकुमार संभाजी को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूंछे मुंडवा ली और एक भिखारी के भेष में मथुरा से बाहर निकल गए। प्रयाग, बुंदेलखंड और गोलकोंडा से होते हुए 7 दिन का समय लिया और राजगढ़ के सुरक्षित किले तक पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई बार मुगलों की सेना को मात दी थी। बाद में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी दुनिया उनके पराक्रम और साहस को नहीं भूली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप और अधिक देखना चाहते हैं, तो उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें। किसी सुझाव के लिए कॉमेंट करें। सुरक्षित रहें, खुश रहें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।